फाइनली जय हिंद दोस्तों, आज आपको एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। और आज मैं हम बात पे बात करने वाले हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल पे। और कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के दो मैकेनिज्म होते हैं, पहला होता है प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ वर्क पे बात करने वाले हैं, लेकिन उसको हम समझें उससे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट मैं वार्निंग आपको दे दूँ कि इससे पहले जो यहाँ पे मेरे 6 एपिसोड हैं ब्लॉकचेन कोर्स के, वो सारे देख कर आइए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और चलिए प्रूफ ऑफ वर्क को समझने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक चीज़ का ले लेते हैं, वो क्या है, वो है बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ये दरअसल होता है क्या है, कई बार क्या होता है, कहीं ब्लॉकचेन नेटवर्क में कई सारे नोट्स लगे हुए होते हैं। और नोट्स को आप ऐसे समझ लीजिए जो सेनापति हैं 4, ये हैं नोट्स। अब उन नोट्स में क्या होता है, कंप्यूटर्स में क्या होता है, कोई हैकर का भी होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए किला है, कोई ये किला है, इस पे इन चारों को अटैक करना है। किला क्या होता है, फोर्ट क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे, ये जो सामने आप देख रहे हो, मान लीजिए इस पे अटैक करना है। यहाँ पे 4 लोग हैं, इसमें से तीनों, ये आप आइडल सोल्यूशन मान लीजिए, जिस तरह से मतलब आदर्श इसको मान लीजिए कि इसमें सारी परिस्थितियाँ एकदम सेम है, कोई परिस्थितियों में गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे इनके 20 अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन है और ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इन्होंने डिस्कस हुआ कि इस पर अटैक करें या ना करें, तो इन्होंने सबसे काल की पूछा कि अटैक करें ना करें। तीन ने यहाँ पे राइट राइट का टिक लगा हुआ, तीन ने तो सहमति दे दी कि हाँ आक्रमण करो। चौथे ने क्या किया, झूठ बोल दिया कि आक्रमण करो, लेकिन इसने आक्रमण किया ही नहीं। फाइनली क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी, है ना, यानी कि तीन ने तो आक्रमण कर दिया, चौथे ने तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है हार भी जाए, फिर कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, ये दरअसल फॉल्ट जो है वो सिर्फ यहीं पे नहीं आती है, ये दरअसल आती है ब्लॉकचेन नेटवर्क में। ब्लॉकचेन नेटवर्क में कई बार क्या होता है, कोई हैकर होता है तो वो इस तरह से हो सकता है अपना कुछ करे ही ना, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भेज दे जो पूरे डाटा को करप्ट कर दे। तो इसी तरह का सोल्यूशन निकालने के लिए एक सोल्यूशन बनाया गया जो कि दोस्तों सोल्यूशन कहलाया गया प्रैक्टिकल बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ये दोस्तों माइगुअल कास्ट्रो एंड बेवरा लॉस्को की तरफ से निकाला गया। इन्होंने कुछ शर्तें रखी कि इस तरह की जो सिचुएशन बन जाए तो वहाँ पे एक नियम बना दो कि 2/3 यानी कि 2/3 की सहमति से अटैक होगा, और अगर 1/3 यहाँ पे सहमति नहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ पे आक्रमण से उनसे कोई मतलब नहीं। यानी कि 2/3 लोग, मान लीजिए कोई एक टीम है तो एक को हमने 2 भागों में बांट दिया, पहला 2/3 लोगों में बांट दिया, और दूसरा, यदि आपकी थोड़ी मैथ सही होगी तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई एक टीम है, मान लीजिए पूरे ब्लॉकचेन में जितने भी दुनिया में एक मैंने नेटवर्क बना लिया, एक ही नेटवर्क तो है पूरे दुनिया में ब्लॉकचेन का। अब उसमें से 2/3 लोग हैं वो कह रहे हैं कि आक्रमण करो, जबकि यहीं पे 1/3 लोग कह रहे हैं, यानी कि 1/3 लोग कह रहे हैं कि आक्रमण ना करो, तो उनसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, अगर 2/3 लोग कह देंगे तो आक्रमण यहाँ पे हो जाएगा। यही नियम बनाया गया, और इससे भी कुछ अलग भी नियम बनाया गया, हालांकि जो मेन था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। तो ये समस्या इस तरह से कुछ सॉल्व की गई, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल क्या होती है। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक होते हैं, तो उसमें हम पहले प्रूफ ऑफ वर्क समझेंगे। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जरूरी क्यों है, ये दरअसल प्रिवेंट करती है अटैक से, यानी कि अटैक से रोकती है, और कंप्यूटिंग चैन प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व करती है, आगे आगे हम समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल इन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है, अटैक से पर प्रिवेंट करती है और कंप्यूटिंग चैन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये इसकी विशेषताएं आप समझ लीजिए। तो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल्स के टाइप्स भी होते हैं। तो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि आप आमतौर पे सुनते होंगे, अदर भी होते हैं, हालांकि हम यहाँ पे 2 का बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो प्रूफ ऑफ वर्क पे बात करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क को हमें समझने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। प्रूफ ऑफ वर्क को हमें समझने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आप पिछला माइनिंग वाला वीडियो या एपिसोड देख कर आए होंगे, यहाँ पे बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, उम्मीद करता हूँ सारे एपिसोड आप देख आए होंगे। तो यहाँ पे ये 7वां एपिसोड है, पिछले 6 एपिसोड देख कर आइए। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक, इसने मान लीजिए ये सारे कंप्यूटर्स एक नोड हैं, पूरी दुनिया में ये कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, लेकिन एक इसमें हैकर का कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर कौन सा, ये आगे वाला ही हैकर्स का कंप्यूटर है। इस हैकर ने क्या किया, 3 ब्लॉक माइन किए, रेड वाले
वो तो चलो ठीक है, इसने वाकई में माइंड की है, वाकई में रियल है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो इसमें मान लीजिए हैकर क्या करे, इस ये जो रेड वाले ब्लॉक है इसके बीच में अगर ब्लॉक घुसेड़ देगा, तो आपको पता होगा कि अवलांच इफेक्ट कहता है कि सबका हैश चेंज हो जाएगा, चूंकि दुनिया के एक कंप्यूटर में हैश कुछ अलग होगा और दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में हैश अलग होगा, यानी कि मेजोरिटी में यानी कि लोगों के पास अलग हैश होगा, तो इसका हैश भी कोई वैल्यू नहीं रखेगा, उसका भी हैश बहुत जल्द चेंज करा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि तुम फर्जी हो, भाग जाओ इनसे। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स के पास चूंकि अलग होगा और सिर्फ तुम एक अपना प्रूफ दिखाते घूमोगे तो तुम्हारी बात थोड़ी ना मानी जाएगी। तो क्या हो, ये अब बीच में ब्लॉक ना घुसेर करके पास से ब्लॉक घुसेरे, यानी कि यहाँ पे साइड से ब्लॉक को लगा दिए, यानी कि मलिशियस एक्टिविटी यहाँ पे साइड से ही करेगा। अब यहाँ पे ब्लॉक ये बीच में नहीं, तो यहाँ पे तो हैश में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। लेकिन 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 पिछले वाले माइनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, चलिए उसका रिवीजन यहाँ पे करते हैं। तो माइनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जब ब्लॉक को माइन कर लेगा, पहली बात तो इसे माइन किए ही नहीं होगा, ऐसे ही बस ये घुसड़ देगा आकर के, फिर क्या होगा। तो आपको मैंने माइनिंग वाले वीडियो में बताया था कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ती है, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की या नहीं की ये तो हैकर को भी पता होगा, नहीं की नहीं की, तो उसका हमें सबूत दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हाँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बाकायदा हम इस माइनिंग करके इस ब्लॉक को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स तुम्हारी बात को क्यों मान लेंगे। मैंने माइनिंग वाले वीडियो में क्या बताया था कि सारे कंप्यूटर्स अब तुम्हारी देखेंगे कि बेटा तुमने कहाँ पर माइन किया है, क्या तुमने 10 मिनट यहाँ पे बिताए या फिर माइनिंग किया या फिर फर्जी ट्रांजेक्शन किसी के वॉलेट में पैसा घुसड़ दे रहे हो। तो अभी फिर क्या करेंगे कि कहेंगे कि चलिए अच्छा तुमने माइन किया ये ब्लॉक, अब इसको लाओ हमारे पास। फिर क्या होगा, ये सारे कंप्यूटर्स के पास, दुनिया में एक कंप्यूटर ये हैकर का है, सारे कंप्यूटर्स के पास ये ब्लॉक जाएगा जो अपने अपने कंप्यूटर्स पे एल्गोरिथम चलाएंगे। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक काम होता है जो भी इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क में लगे होते हैं, कोई इसमें वो नहीं। तो इन पे एक इस ब्लॉक पे क्या होगा, सारे कंप्यूटर्स एक एल्गोरिथम चलाएंगे। यदि ये ब्लॉक 2.3 के मेजोरिटी से यहाँ पे पास हो जाता है तो यहाँ पे ब्लॉक मान लिया जाएगा, इसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाएगा। यदि यहाँ पे कंप्यूटर्स ये सारे इसको वैलिडेट करते हैं और देखते हैं कि इसने तो माइन किया ही नहीं है फर्जी, मतलब उसका किस तरह से माइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्गोरिथम चलती है, एल्गोरिथम में प्रीवियस हैश क्या था, अगला हैश क्या होगा, इस तरह से काफ़ी कुछ घटनाएं होती हैं जो उसका जांच करती है कि वाकई में इसने माइन किया या नहीं किया। जैसे बिटकॉइन के केस में एक ब्लॉक को माइन करने में 10 मिनट लगते हैं, तो आप एक ब्लॉक है सबसे पहले माइन करेगा 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद सारे कंप्यूटर्स के पास जाएगा तो ये इसको फर्जी निकाल देंगे और कहेंगे कि तुमने माइन ही नहीं किया, तुम फर्जी घुसर रहे हो और यहाँ से निकल लो पतली गली खंभा देख के। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर इसको चोरी को पकड़ लेंगे और फाइनली ये इसमें ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हो पाएगा। अगर ये ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है इसका मतलब ये है कि किसी भी वॉलेट में पैसा जुड़ जाएगा या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन 10,000 हो सकता है। एक ब्लॉक की कीमत ये है कि एक ब्लॉक अगर फर्जी ऐड हो गया तो सारे कंप्यूटर पे एल्गोरिथम चलेगा, इसको बाईपास कर देंगे और फाइनली इसको भगा देंगे, कहेंगे तुम्हारा ब्लॉक ये फर्जी है, तुम फर्जी एक्टिविटी कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सवाल आपके मन में ये आएगा कि एक ब्लॉक को माइन करने में बिटकॉइन का 10 मिनट लगता है तो इसको वैलिडेट करने में कौन सालों लग जाए, सारे कंप्यूटर चूके देखेंगे। तो मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको बनाने में काफ़ी प्रोसेस होता है फैक्ट्रियों में, तो समय लगता है। लेकिन क्या इनको चेक करने में कुछ समय लगता है, सीधे एकदम बोतल खोलो और एकदम घटक जाओ, तो यहाँ पे उसमें टाइम नहीं लगता है, सीधा पी लो और स्वाद आ जाएगा, समझ लो टेस्ट ठीक है, हाँ बढ़िया है, वैलिडेट कर दिया हमने, देख लिया कि हाँ सही है स्वाद। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बस बनाने में टाइम लगता है, यानी कि माइंड करने में टाइम लगता है, ना कि उसको वेरीफाई करने में, वैलिडेट करने में, जैसे ड्रिंक को पी करके आपको मजा आता होगा। उम्मीद करता हूँ आपको देसी भाषा में समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, और ऐसे बेहतरीन कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर कोई बकवास नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।